A massive fire raced to a seven-story residential building in Goregaon, Mumbai in the wee hours of Friday morning. According to the eyewitness actor Manish Chaturvedi, the fire mishap occurred around 2:30 to 3 a.m. अचानक पौने तीन के आसपास ऐसी जलने वाली बदबू आने लगी तो आंख खुली मेरी। फिर अपने भाई को जगाया कि भाई देख ऐसा था क्या। तो फिर हम लोगों ने नीचे देखा तो काफी धुआं नीचे से आ रहा। तो पहले तो मुझे लगा कि अपने कैंपस में तो नहीं है, तो फिर लगा नहीं बाजू वाले में। तो फिर हम लोग नीचे जल्दी से फटाक से आए। फिर गार्ड हमारे काफी एक्टिव हो चुके थे, तो सबसे पहले हम लोग गैस का पाइपलाइन का वो कनेक्शन को बंद करवाया क्लोज कर। तब तक बिल्डिंग के सारे लोग आ गए थे। फिर हमको फायर ब्रिगेड को फोन करने लगे। उसको जैसे लगा अपने घुमा रहा है फोन, फोन नहीं लग रहा था। मेरा फोन लगा 3:06 उधर से। फिर रिस्पॉन्स उठाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही थी। इस नंबर पर डायल करो, उस नंबर आवाज आ रही थी। ऐसे समय में ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनरिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायर ब्रिगेड, और ये अगर मुस्तैद होते तो हमारे हिसाब से कितनी जो जाने गई हैं, चाहे जो चीजें गई हैं, नुकसान हुआ है, ये नहीं होता। पुलिस टाइम पे आ चुकी थी। हम लोग जैसे निकले ये लगता है कि 3:10-3:15 के अंदर पुलिस भी आ चुकी। जानकारी कब मिली कि यहाँ पे आग लगी है? क्या 8 बजे मिली। क्या जानकारी मिली आपको? वही सुबह दूध लेने को गया तो लड़की तो बोला कि तुम्हारा बिल्डिंग में आग लगी, तुम्हारा पहचान वाला है तो तुम जाके देखो। इधर आया तो देवरानी का डेथ हो गया है, एक लड़की का हो गया है, बस इतना ही समाचार मिला है। और क्या कुछ जानकारी मिली थी, कैसे आग लगी, क्या हुआ था? पार्किंग में आग लगी ऐसा जानकारी। अच्छा, इसमें कुल कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोग घायल हुए? अच्छा, आपके लोग भी इसमें इंजर्ड हुए? घायल हॉस्पिटल में अभी हम लोग इधर जा रहे हैं। आपकी कौन लगती है जिनकी डेथ हुई है? मेरा देवरानी होती है। और किसकी डेथ हुई है? गाड़ी में लड़की का। नीचे के गाड़ी में सब। क्या उम्र थी लोगों की? उम्र इसका 60 साल। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल फ्रॉम द स्पॉट गेव डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट। हुई है उसके बारे में ये जो हमारे पास तो जानकारी है उसके हिसाब से कल रात को 3:01 पे आग लगी और 3:10 पे 9 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। सबसे पीछे और ये बिल्डिंग के सिर्फ पहले 2 फ्लोर तक आग गई थी और जो 8 लोगों की एक दुर्दैवी जिनकी मौत हो गई है। एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको बर्न इंजरी से या आग जलने से जिसकी डेथ हुई है। सारी की सारी डेथ्स हुई हैं सफोकेशन से, जो वहां पे एक प्रचंड धुआं निर्माण हो गया आग लगने से। और इसमें इस बिल्डिंग में कुछ घरों में वागरी समाज के लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया है, जिनका मुख्य व्यवसाय होता है कि जो रैग पिकर्स होते हैं, कपड़ा वगैरह जो इधर रैग्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं। तो इनका वो जो मालमत्ता है, बड़ी बड़ी गठरियां हैं, वो पार्किंग एरिया में स्टोर की गई थी। तो वहां आग लगने के बाद में वो सारे कपड़े को आग लग गई, इसलिए आग जल्दी फैल गई। और इस घटना में यहाँ पे 28 लोगों को इस हॉस्पिटल में लाया गया है, बाकी कुछ 13 लोग वहाँ पे कुप्र में हैं। और अभी जो 28 लोग हैं उसमें से एक भी सीरियस नहीं, सभी लोग स्टेबल हैं। कई लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है, कई लोगों को नेबुलाइजर दिया जा रहा है, कुछ लोगों को 4 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। परंतु इसमें एक परिवार के 2 बच्चे हैं जिनकी 1% से लेकर 9% तक परिवार में बर्न इंजरीज हैं। तो बर्न इंजरीज मतलब कि कोई खतरे की बात नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि उनका भले ही 1% इंजरी हो बच्चे को, उसके टाइमली प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए। अब प्लास्टिक सर्जरी होने से बच्चे का जो ट्रॉमा है वो जिंदगी भर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उनको हम इस एक ही कारण से हमको हम कस्तूरबा शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है प्लास्टिक सर्जरी की, और टाइमली अगर प्लास्टिक सर्जरी कर दी तो वो खाब के निशान तक नहीं रहते हैं। तो उसके लिए उनको आज कस्तूरबा शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी सभी का जो इलाज है, क्योंकि हमारा बीएमसी का हॉस्पिटल है, साजे का एक सारा इलाज फ्री में होएगा। अगर कुछ बाहर से दवाई लानी पड़ेगी वो भी हम उसका खर्चा सहन करेंगे। और जैसे कि आदरणीय पालक मंत्री महोदय ने बताया, जो 7 मृतक हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है, उनके इमिजिएटली हम जो वारस हैं उनको लोकेट करके सर्टिफाई करके उनको आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश जो हुए हैं उनके हिसाब से उनको 4 लाख का इमिजिएटली सहायता दिया जाएगा। बीजेपी MLA फ्रॉम गोरेगांव विद्या ठाकुर डाइवर्ज्ड ऑन द अरेंजमेंट्स फॉर द विक्टिम्स। जो कपड़ा बेचते हैं वो उस समाज के लोग वहाँ पर रहते थे, और जब फायर हुआ तो पूरी बिल्डिंग में धुआं धुआं हो गया। रात्रि का समय था, 2:30 बजे का समय था, तो
लोग सोए हुए थे, लोगों को जगाने में उठाने में लोगों को कुछ लोगों को धुआं के कारण भी काफ़ी तकलीफ हुई, लोग टेरेस पे गए, बाद में उनको रेस्क्यू किया गया। बड़ा फायर होने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, महानगर पालिका और हमारे फायर डिपार्टमेंट के लोग तो वहाँ पहुँचे, लेकिन काफ़ी लोगों की इंजरी हुई, कैजुअल्टी हुई है, 7 लोग करीब करीब उनकी डेथ हुई है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। और हम लोग भी साइट पे वहीं पर थे और अभी वहाँ से यहाँ आए हैं, ट्रोमा में आए हैं, ऊपर में भी पेशेंट हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी लोग जले हैं। अरे बहुत दुखद घटना हुई है, हमारी सरकार से मांग है कि ये जो कुछ घटना हुई है, उस एक तो घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरी जो मृतक है, मृतक के परिवार और बाकी के लोगों जिनका सब कुछ जलकर नष्ट हुआ है, जो खाक हुआ है, उसके लिए भी कुछ उनको आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। और अभी महानगर पालिका की तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से उनको एक स्कूल में हम लोगों ने शिफ्ट किया है, वहाँ पर उनका खाने का रहने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में जितने जल्दी उनका पानी, लाइट और उनको रहने का जो अरेंजमेंट हम कर सकें, उसके लिए सारी व्यवस्था बहुत फास्ट हो, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has expressed his deep condolences to the families who lost their lives in this tragic incident. PM Narendra Modi has also announced an assistance of rupees 2 lakh for kin of those killed and rupees 50,000 for those injured. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.